नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरीश गोड़ आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं। आज हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं, इस समय इनकम टैक्स की रिटर्न भरने की ड्यू डेट 31 जुलाई रखी गई है और उसके लिए फॉर्म्स भी आ गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं जिनकी वजह से इनकम टैक्स की वेबसाइट पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही है। बहुत सारे प्रोफेशनल्स को समस्या आ रही है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट डाउनलोड करने में, तो AIF डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। और इसके साथ साथ ही अगर आप इनकम टैक्स की रिटर्न इस बार अपने क्लाइंट्स के लिए भर रहे हैं और आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या फिर एक टैक्स एडवोकेट हैं या फिर आप एक TRP हैं, तो आपको जरूरी है कि अपने क्लाइंट से अंडरटेकिंग ले लें उस इनकम टैक्स की रिटर्न को भरने के लिए, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार ही नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, नोटिस आ रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से और उनमें ना सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि ये इनकम टैक्स की रिटर्न किस प्रोफेशनल ने भरी है, बल्कि उनके नंबर उनके एड्रेस भी पूछे जा रहे हैं और साथ ही साथ पूछा जा रहा है कि जो इनकम टैक्स की रिटर्न की एक्नॉलेजमेंट है उस एक्नॉलेजमेंट पर साइन किसने किए हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रोफेशनल्स को घेरने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा शिकंजा है और लगातार ही प्रोफेशनल्स को जवाबदेह बनाने की कोशिश की जा रही है। तो डिपार्टमेंट जहां एक ओर अपनी वेबसाइट को सही नहीं कर पा रहा, वहीं दूसरी ओर प्रोफेशनल्स पर लगातार ही जवाबदेही तय करता जा रहा है। तो ये एक बड़ा सवाल है इस समय सभी प्रोफेशनल्स के सामने। MCA की वेबसाइट के बारे में सभी जानते ही हैं, लगातार ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट काम नहीं कर रही है, जिसको लेकर के आज प्रोफेशनल्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के ऑफिस दिल्ली में पहुंचे हैं और वहां जाकर के बातचीत कर रहे हैं। तो ये लगातार ही प्रोफेशनल्स के साथ में हरासमेंट हो रहा है, उनके टाइम को लेकर कोई भी समस्या का समाधान ना तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और ना ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट की तरफ से किया जा रहा है। 31 जुलाई लास्ट डेट रखी गई है, लेकिन देखना होगा डेट बढ़ाई जाएगी या फिर इनकम टैक्स की वेबसाइट को स्मूथ चलाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। हम आपके बीच में ऐसे ही प्रोफेशनल्स की और समस्याओं को लेकर के आते रहेंगे। आप हमारे साथ में बने रहिए। द CA पल्स आपकी हर एक समस्या को जनता के सामने और साथ ही साथ गवर्नमेंट के सामने उठाता रहेगा।